हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स। सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वॉज कंडक्टेड। द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये डाटा है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। पहले नंबर में लाइक स्टैटिक्स, सेकंड नंबर में है डज नॉट लाइक इट। ठीक, देखिए क्या है कि एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स का सर्वे किया जा रहा है, ठीक है ना। उस सर्वे में 200 स्टूडेंट को, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, या उस 200 स्टूडेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 200 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट अपने ओपिनियन में, ठीक है ना, 200 स्टूडेंट अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है ना, बोला है ना, वो जानना चाहते हैं कि उन 200 स्टूडेंट का ओपिनियन क्या है। तो उन 200 स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट अपने ओपिनियन में उस सब्जेक्ट स्टैटिक्स को सही बता रहे हैं, यानी लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग कुछ गलत बता रहे हैं, यानी डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास दिया है, ठीक है ना। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 135 आउट ऑफ 200, ठीक है ना। मतलब जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो कितना है 200, ठीक है ना। अब 200 में से, ठीक है ना, 135 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस सब्जेक्ट स्टैटिक सर्वे को लाइक बता रहे हैं, मतलब सही है, ठीक है ना। उसमें से 65 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये बैक बेंचर होंगे, ठीक है ना, वो डिसलाइक बता रहे हैं, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट स्टैटिक्स जो सर्वे है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, जो डाटा यहाँ पास रिकॉर्ड करके दिया गया, ठीक है ना, तो हमको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। पहले नंबर में है लाइक स्टैटिक्स, सेकंड नंबर में है डज नॉट लाइक इट, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी बताना है उन स्टूडेंट की जो इसको लाइक कर रहे हैं और जो नहीं लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर हमको प्रोबेबिलिटी बताना है उन स्टूडेंट की, मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसको लाइक कर रहे हैं और नहीं लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी बताना है। आइए बताते हैं। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो है 200, ठीक। हमको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिक्स। पहले नंबर में क्या बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिक्स है, ठीक है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, कितने स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो कि लाइक कर रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिक्स बाय स्टूडेंट। इतना आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिक्स तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, कैसे इसको निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक द, ठीक है ना, देखिए ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, हु लाइक द, क्या लाइक द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, ठीक है ना, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि उस सब्जेक्ट स्टैटिक्स को लाइक करे, ठीक है ना, हु लाइक द सब्जेक्ट स्टैटिक्स पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने नंबर, जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है कितने स्टूडेंट है जो कि, ठीक है ना, लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। पहले नंबर हमको यही बताना है लाइक स्टैटिक्स, ठीक है ना, तो जो कि उस सब्जेक्ट स्टैटिक्स को लाइक कर रहे हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो इस फॉर्मूले से वो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिक्स निकल जाएगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 135, मतलब 135 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट स्टैटिक्स को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने टोटल स्टूडेंट है 200।
और यही आपका आंसर हो जाएगा ना। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो यार 5 से जब डिवाइड करें 2, इसके बाद 27 अपॉन में 40। 5 से देखिए डिवाइड क्या होता है, 5 2 जा 10 बजा 35, 5 7 जा 35 ठीक है ना, और ये 40 हो जाए और यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है ना, सेकेंड नंबर देखिए जैसे इसको किया है ना एकदम सेम टू सेम करना है। ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है 200 है ना, हमको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जो कि इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, डज नॉट लाइक इट इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पास जैसे किया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इट, यहाँ पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक इट ऐसा लिखना पड़ेगा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये चीज ना लिख के मैं डायरेक्ट अगला स्टेप है जो ये वाला स्टेप है उसको लिख देता हूँ। तो कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कि लाइक नहीं कर रहे हैं, तो 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लाइक नहीं कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट कितना है 200। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कीजिए 13 अपॉन में 40, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।